हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टडी न्यूज आज हम इस वीडियो में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड के बारे में जानेंगे जो हाल ही में दिया गया है सो लेट अस स्टार्ट इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दौरान दिया गया है ये अवार्ड श्री साजी को दिया गया है जिन्हें प्यार से केरला में लोग ट्यूबर मैन के नाम से बुलाते हैं श्री साजी को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है इन्हें अपने खेत में लगभग 200 प्रकार की कंद फसलों को संरक्षित करने के लिए सात बार राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इन्हें प्लांट जिनोम सेवियर रिवॉर्ड भी मिला था ये नए प्रकार के पौधे व कंद ढूंढने के लिए जंगलों की यात्रा किया करते हैं ये ऐसे पौधे ढूंढते हैं जो केवल आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं इन्होंने अपने खेतों में हल्दी की चालीस और अदरक की तीस और धान की कई किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यू इंडिया के साथ मिलकर देश भर में जैव विविधता शासन में अच्छा काम करने के लिए 2012 में भारत जैव विविधता पुरस्कार की शुरुआत की थी इस पुरस्कार को चार श्रेणियों में बांटा गया है पहला है संरक्षण इसमें जंगली और पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए जिन्होंने लगातार पाँच सालों से प्रयास किया है उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है दूसरा जो जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए लगातार पाँच सालों से प्राकृतिक व संसाधन प्रबंधन के लिए अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है तीसरा उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जिनकी परियोजनाओं ने प्राकृतिक साधनों के उपयोग से लोगों को लाभ पहुंचाया हो और लास्ट है सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है जैव विविधता के लिए जानवरों के लिए और सामाजिक समानता और सशक्तिकरण और सभी तक समान लाभ पहुंचाना है तो ये थी इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से जुड़ी Important information. Thanks for watching this video. Please like, subscribe, and comment.